मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, दो दिन पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके जितने भी कमेंट हैं उसके रिप्लाई मैं अगले वीडियो में, जब भी दो तीन दिन के बाद मुझे लगेगा कि अब उस पर कमेंट आना बंद हो गया है, तब मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो उसी कड़ी को आज शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये मेरा सेकेंड यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, तो इस पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको रोजाना NTPC के रिगार्डिंग स्टैटिक GK मिल जाएगा। ठीक है, और ये मेरे बारे में है, होम पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें पूछी जाती है मुझसे। यहाँ पे देखिएगा, दो दिन पहले यानी कि यहाँ पे देखिएगा, ये वाला वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको मैं रिप्लाई दूंगा कि इस वीडियो में जो भी कमेंट किए जाएंगे, अभी तक 122 कमेंट आ चुके हैं, तो देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं। ट्राई करेंगे कि सभी के कमेंट का रिप्लाई दें, अगर आज बच जाता है तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर रिप्लाई देंगे। मतलब कहने का ये है कि आपके एक भी कमेंट नहीं छोड़े जाएंगे, अगर वो जो कमेंट है वो आपके जेन्युइन हो, यानी कि वो रिलेटेड हो स्टडी से। ठीक है, अब पहला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, नाम नहीं लेंगे क्योंकि अगर नाम लेते हैं सभी बंदे का तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि छूट भी सकते हैं, जो कि लंबा हो जाएगा। हालांकि छूटेगा तो नहीं है, अगले वीडियो में ले आएंगे, लेकिन अगर नाम लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके कमेंट मेन रूप से लिए जाने चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सर जी, आदर्शी ग्रुप डी, आप देख लेंगे कि किसका कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ। सर जी, आदर्शी ग्रुप डी 2019 WR कॉट कटअप, अच्छा लिखने में थोड़ा इनको गलत हो गया। देखिएगा, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, अगर आप गलत लिखें फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि देखिए ये सब स्लैंग लैंग्वेज का खेल चल रहा है आजकल। बॉयफ्रेंड को BF लिख रहे हैं, BF का मतलब भी कुछ अलग हो जाता है, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता। आप गलत भी लिखेंगे तो मैं समझ लूँगा, तो आपका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो 2019 का WR यानी कि वेस्टर्न रेलवे का कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए भाई, जो वेस्टर्न रेलवे का कट ऑफ की बात करें, तो जो मैं अभी आपको मैंने बताया कि ये मेरा सेकंड चैनल है, उस चैनल पर जाकर देख लेंगे, मैंने कट ऑफ हाल ही में एक महीना पहले बनाया है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर लेंगे। ठीक है, अगला कमेंट की ओर बढ़ते हैं। सर, अगर रेलवे AC क्रिकेट ट्रायल देकर सिलेक्ट हो तो जॉब करते हुए प्रैक्टिस का समय दिया जाएगा। देखो, रेलवे में ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप अच्छे खेल में मतलब हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, यानी कि जितने भी खेल होते हैं आप देखेंगे कि जो नेशनल गेम होते हैं उसमें रेलवे का भी एक टीम होता है। ठीक है, तो आप जिस भी स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, जिस भी गेम में अच्छा करते हैं, वहाँ पे आपको रेलवे प्रोत्साहित करती है अगर आप सिलेक्ट होते हैं ट्रायल देने के बाद। ठीक है, तो इनका मैंने क्वेरी का आंसर दे दिया। अगला देख लेते हैं। सर जी, मेरा ईमेल ID ब्लॉक हो गया है, NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म रिजेक्ट, कुछ या रिलेटेड कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ईमेल आईडी अगर खो भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदर्श ग्रुप डी 2019-20 का में डॉक्यूमेंट में ITI तो नहीं मांगेगा? नहीं मांगेगा, अगर आप ITI नहीं दिए हैं तो नहीं मांगेगा, अगर दिए हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर दिए हैं तो प्रमोशन में आपका काम आएगा, लेकिन ITI नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, सर RB ग्रुप डी का स्टेटस फिर से आएगा क्या? देखो, आर सी ग्रुप डी का जो लिंक है वो फिर से जारी किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार स्क्रूटनी में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, मेरा फोन बिना कारण रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो आ जाएगी लिंक, उसके बाद देख लेना। मैं विकलांग कैटेगरी OH और मैं गांव में रहकर तैयारी कर रहा हूं, यहां के बुद्धिजीवी और यहां के शिक्षक लोग कहना है कि विकलांग के लिए रेलवे में नौकरी रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कटप्पा हाय हाय चला जाता है, अच्छा कट ऑफ कटप्पा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, चला जाता है। आपके जानकारी के अनुसार कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या संभावनाएं बन सकती है? पटना बोर्ड से रिप्लाई किया हूँ, नहीं अप्लाई जरूर लिखा होगा आपने, जरूर दीजिएगा, अच्छा रिप्लाई जरूर दीजिएगा, आपके रिप्लाई का हमें बेसब्री से इंतजार होगा। देखिएगा, कट ऑफ की बात करें, हालांकि विकलांग कैटेगरी में जो डिफरेंट डिफरेंट और भी अंदर सब कैटेगरी होते हैं उसका तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपके SC और जो OBC के जो कट ऑफ है उसके बीच का वैरी करता है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना भी कट ऑफ लो नहीं जाता है। जो बोलते हैं वो सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं, होता ना, बोलने की चीज़ें बोल दो,
क्या फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम तो अपन लोगों को देना है ना भाई, तो ये सब चीज़ें बोली जाती है लेकिन कट ऑफ कम नहीं जाती है। ठीक है, अच्छा जिनका मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ उनको लाइक भी करता, मतलब कि हर्ट वगैरह देता रहूँगा जिससे पता चलेगा कि किनका मैंने कमेंट पढ़ा। ठीक है, इससे पहले छूट गया है तो आगे देखते हैं। अच्छा 20% रिजर्वेशन फॉर अप्रेंटिस, मेक ए वीडियो ऑन दिस सर प्लीज़। देखो इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, 1-2 दिन में वीडियो मैं दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले का जो वैकेंसी था ग्रुप डी का उसमें भी रिजर्वेशन थे। ठीक है, लेकिन इस पे एक नोटिफिकेशन आ गया तो हाई तौबा मचने लगा है, लेकिन इस पे आप जो वीडियो की मांग कर रहे हैं मैं दे दूंगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। सर मैंने जो फ़ोटो लगाया था वो फ़ोटो खो गया है, मेरे डीवी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, प्लीज़ बताइए। सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं 100% श्योर हूँ। अगला बढ़ते हैं, मनीष सर आदर्श ग्रुप डी हाजीपुर जोन का कट ऑफ क्या रहेगा। भाई ये कट ऑफ वाला वीडियो आप मेरे नए चैनल पे जाके देख सकते हैं भाई। ठीक है ना भाई, अगला देख लेते हैं। एनटीपीसी ग्रुप डी में ईडब्ल्यूएस का फाइनेंशियल ईयर कब चाहिए, ईडब्ल्यूएस ब्लॉक से बनाएगा तो चलेगा। देखो ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है, अगर आप उससे कम का बनाते हो तो नहीं चलेगा। ठीक है, इतना आप कन्फर्म कर लो कि जो नोटिफिकेशन में दे रखा है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत ये चल रही है कि कई कई स्टेट में जिस एक मतलब नोटिफिकेशन में जो मांगा गया था उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जा रहा था, वो कह रहे थे कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहाँ पे ये चीज़ें एक्सक्यूज की जा सकती है। अगर आप वहाँ पे जाके बताएंगे, एफिडेविट लगाएंगे कि सर मेरे स्टेट में या मेरे जगह पे उस समय बनाया नहीं जा रहा था, ठीक है, तो उस समय आपको एक्सक्यूज लिया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये कंसिडर नहीं किया जा सकता है, अगर आपके साथ प्रॉब्लम हुई है तो वो कंसिडर किया जाएगा। हालांकि फाइनेंशियल ईयर जो खोजा गया था 17-18 या जो भी है नोटिफिकेशन में वही मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके साथ ऑथोरिटी ने ही नहीं बनाया है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सक्यूज काम कर सकता है अगर माने तो। ठीक है, हालांकि अभी तक ऐसा कहीं केस नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एफिडेविट लगेगा, और अगर इसकी वजह से आप अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट फाइल करेंगे तो आपका सिलेक्शन ऑब्वियस है, उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का ईडब्ल्यूएस चलेगा क्या सर, वही मैं बता रहा था आपका, मुझे लग रहा है कि चीज़ें सॉल्व हो गई होगी। सर रेलवे की ज्वाइनिंग के बाद जहाँ से जो डॉक्यूमेंट इशू हुआ है जैसे 10th ITI, उन्हें वेरीफाई करने के लिए बोर्ड भेजते हैं या वहीं पे वेरिफिकेशन क्लियर हो जाता है, प्लीज़ डॉट क्लियर करें। देखिए ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्पॉट पर की बात है वो रेयर केस में होती है, हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं होती है, लेकिन हाँ आप जॉब कर रहे हैं सपोज 10 साल 15 साल के बाद कभी कभी किसी भी जो अथॉरिटी होती है हायर अथॉरिटी उनका मूड ख़राब हो गया, वो कहेंगे कि सभी इम्प्लॉय का जितने भी डॉक्यूमेंट है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 15 साल 20 साल के बाद कभी भी ऐसा सर्विस में हो जाता है तो वो आपकी यूनिवर्सिटी आपके जहाँ पे जहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वहाँ पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपके कॉलेज चले जाएंगे, आप ITI जहाँ से किए वहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना भाई, तो आपको समझा दिया मैं ये चीज़ें कहाँ पर क्या होती है। सर ये भी मैं पढ़ लिया। सर मेरा क्वेरी है, सर माई क्या मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड एग्ज़ाम होने के बाद इमीडिएट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होंगे ने के चांस है क्या, बिकॉज ग्रुप डी में तो सिर्फ एक CBT है, तो ऐसा हो सकता है क्या कि पहले ग्रुप डी का एग्ज़ाम फिनिश करके इमीडिएटली NTPC का कराए। देखिए आप जिस तरह से देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ रहा है तो उससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि NTPC का एग्ज़ाम ग्रुप डी से पहले होगा। ठीक है ना भाई, तो आप इतना तो समझदार हैं ही हैं। सर जम्मू NTPC CVT 1 EWS का कट ऑफ कितना जाएगा ये आप देख लेंगे भाई, मुझे याद नहीं है, आप देख लेंगे वो वाला वीडियो जो नया चैनल है वहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर सर ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक आया तो क्या NTPC का मॉडिफिकेशन लिंक आने का उम्मीद है क्या। देखो मॉडिफिकेशन लिंक वो नहीं देगा, वो फिर से स्टेटस जारी करेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस, मॉडिफिकेशन लिंक तो किसी का नहीं जारी होगा। अगला देख लेते हैं, SSC और FCI के DV में EWS सर्टिफिकेट वाला लगा है क्योंकि EWS का रूल यही कि नोटिफिकेशन के लास्ट डेट से पहले। हाँ ये मैं मान रहा हूँ कि जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वही खोजेगा, लेकिन
आपके अधिकारी ही नहीं बना रहे हैं तो आप कहाँ से बनाएंगे। तो वहाँ पे आपके एक्सक्यूज चल जाएंगे कि हमारे एरिया का अथॉरिटी नहीं बना रहे थे तो हम कहाँ से आपको दें, ठीक है। तो ये वाला चीज़ें आपका एक्सक्यूज वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो आपके पास एक पुख्ता आप कह सकते हैं सबूत है कि आप उसको कोर्ट फाइल कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, इसकी वजह से मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है। हालांकि आपका जब ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन वैसे भी जनरल में हो जाएगा। अगर EWS नहीं भी प्रोड्यूस करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना भाई। सर मैं सेंट्रल रेलवे में 16-18 दो बरस अप्रेंटिस की है, पर मुझे एक ही साल का 16-17 का गलती से सर्टिफिकेट मिला है। तो अब मैं अप्रेंट कंप्लेन भी की मगर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो अब 19 में RRC फॉर्म भरा था, तब उस पर मैंने 2 साल अब मुझे DB के टाइम प्रॉब्लम होगा क्या? देखो DB के टाइम प्रॉब्लम तो करेगा, आप अगर वहाँ पे अप्रेंटिस में 2 साल का मांगा है तब तो प्रॉब्लम करेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। आप इसको जिस भी बोर्ड से आपने किया है वहाँ पे जाके सुधरवा सकते हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल व्यक्ति के साथ कुछ इस तरह से चीज़ें हो जाती है तो उसका सुधारने की संभावना 100% हो जाती है। तो अगर आप मेल किए हैं तो मेल से जो सरकारी अधिकारी है वैसे भी रिप्लाई बहुत कम देते हैं, तो आप जाके एक बार DB से पहले उस बोर्ड में जाके आप उसको अच्छे से करवा लेंगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। डियर सर मेरा कमेंट का भी जवाब दो। देखिए भाई सबका दे रहे हैं, रेलवे बेंगलोर हुबली ग्रुप डी एंडी एग्जैक्टली कट ऑफ का रिप्लाई मैंने दे दिया है कि आपको कहाँ से देखना है। CBT 1 होने के बाद CBT 2 एग्ज़ाम के लिए कितना मिनिमम टाइम मिलेगा? मिनिमम मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 4 महीना तो मिल जाएगा, क्योंकि जो NTPC है वो आपका NTPC CBT 1 के बाद आपका ग्रुप डी का होगा, तो 3 महीना वो चलेगा, यानी कि 3 से 3.5 महीना मिनिमम तो आपको मिल ही जाएगा। स्टडी विथ इंजीनियर मनीष ग्रुप डी में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करना है क्या? होगा नहीं होगा भाई, ये तो कन्फर्म नहीं होगा। करंट अफेयर्स का PDF एग्जाम से पहले देने का प्रॉमिस किया था, कब दोगे? देखो भाई आप PDF को मैं दे रहा हूँ, आप देख नहीं पा रहे हो कि कहाँ मैं दे रहा हूँ। टेलीग्राम सर्च करना स्टडी विथ ER मनीष, वहाँ पे करंट अफेयर्स नाम से एक चैनल आएगा, वहाँ पे मैं रोजाना आपको PDF दे रहा हूँ। 760 बच्चे वहाँ पे बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आप पूछ लेना कि क्या मैं डेली PDF देता हूँ कि नहीं देता हूँ, आप देख लेना एक बार। जो मैं टेलीग्राम का चैनल बनाया हूँ वहाँ पे जाके सर्च करना, आपको डेली PDF मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के। 18 में ग्रुप डी 2 नंबर से रह गया, अब की बार होगा पक्का होगा। पिछली बार थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गया था क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे यानी कि जो मेरिटेरियस बच्चे थे वो भी सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा, थोड़ा सा आप कंटिन्यू रखिएगा अपने पढ़ाई को। सर ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक होगा और मॉडिफिकेशन लिंक मिलेगा कि नहीं? मॉडिफिकेशन लिंक तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ग्रुप डी का जो आपका स्टेटस है वो मैं शुरू में ही बता दिया कि फिर से जारी किया जा सकता है एप्लीकेशन स्टेटस। और एग्ज़ाम की बात है रही तो मई के संभावनाएं लग रही कि मई के अराउंड या मई के बाद हो, मई के अराउंड ही होगा। सर ग्रुप डी NTPC के साथ होगा क्या? नहीं, एक साथ तो पॉसिबल ही नहीं भाई। अच्छा, इनका भी कमेंट को लाइक कर दें यानी कि हार्ट दे दें। सर इलाहाबाद जोन में EWS कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल किए गए हैं? भाई आप एक बार RTI लगा दो, RTI से रिप्लाई आ जाता है, बहुत सारे का रिप्लाई भी आया है, ठीक है ना भाई। तो 10 रुपया खर्चा कर ही सकते हो भाई, मैं तो आपसे पैसा मांग नहीं रहा हूँ ना भाई। अगर मैं कभी इस तरह से बोलूँ कि मुझे 10 रुपया डोनेट कर दो तो आप करोगे नहीं भाई, आप खुद के लिए ही कर लो 10 रुपया, ठीक है। सर अगर कोई EWS का फॉर्म फिल किया है उसका EWS सर्टिफिकेट ना हो तो उसे जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे या डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे? ये तो ऑब्वियस है कि जनरल कैटेगरी में रखे जाएंगे, इसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये इसका आंसर मैंने शुरू में ही दे दिया था कि अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से ही सीट मिल जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर EWS का कट ऑफ क्या रहेगा? ये आप देख लेंगे वीडियो भाई, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। सर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, हाँ आप भी जाके चैनल पे सर्च कीजिए और वहाँ पे आपको डेली मिल जाएगा करंट अफेयर्स का PDF, ठीक है ना। सर NTPC टेक्स्ट बुक सेट में 65 आ रहा है, बिलासपुर SC से तो 65 है तो सिलेक्शन हो जाएगा NTPC में, लेकिन हाँ इसको मेंटेन कीजिएगा, ठीक है ना भाई। कि अगर इसमें और पूछ रहे हैं कि सेम मार्क्स ग्रुप डी में भी आ रहे हैं, तो ग्रुप डी में तो चांसेज है कि आपके 90 से 95% हो जाएंगे, लेकिन 65 NTPC में आ रहा है तो थोड़ा सा इन्हेंस कीजिए, 70 लाइए, थोड़ा बहुत आप सेफ जोन में रहें। निजामुद्दीन बोल रहे हैं सर EWS सर्टिफिकेट में बहुत कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन अभी मैंने डिस्कस किया तो आपका कमेंट का रिप्लाई मुझे लग रहा है कि मिल गया होगा। रेलवे गिरी बोल रहे हैं सर मेरा ग्रेजुएशन 17-20 है, अच्छा कोविड 19 के कारण अभी तक पार्ट 3 का एग्जाम नहीं हुआ है
और अब हम एनसीवीटी 2020 और 22 का सेशन में आईटीआई करना चाहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ भाई, प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर दिखाएगा ग्रेजुएशन का कि इतना ईयर है। सपोज 20 आपका पासिंग ईयर लिख दिया, अब 20 पासिंग ईयर हो गया, आप 20 के 20 अगर जुलाई में पासिंग ईयर है और आप जून में ही एडमिशन ले लिए किसी कोर्स में, तो ऑब्वियस है कि मैच तो कर जाएगा ना, जो 1 महीने का मैचिंग है वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है भाई, यानी कि वेबसाइट पे, ऐसा नहीं है कि आपके घर में होम डिलीवरी हो जाते, रिजल्ट आ जाता है ना भाई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट जैसे ही आता है उसी के बाद आप किसी भी कोर्स में इनरोल्ड कीजिएगा तो बेटर होगा, नहीं तो दिक्कत कर सकता है। मैथ के 4 सबसे ईजी चैप्टर बताइए। हाँ, ये आप सर्च कर लेंगे, मैथ्स स्ट्रेटजी बाई स्टडी विथ ईयर मनीष करके सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा वो वाला वीडियो, आप देख लीजिएगा। CHSL का कट ऑफ का एनालिसिस मैं कर दूंगा, ठीक है ना भाई। DRDO MTS का एग्ज़ाम के बारे में बताइए सर। देखिए, DRDO का एग्ज़ाम का मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जनवरी के अराउंड चला जाएगा भाई, ठीक है ना भाई। 21 में जो ग्रुप डी का NTPC एग्ज़ाम होगा, उम्मीद उसमें हैंडी कैप का कट ऑफ क्या जाएगा? हैंडी कैप का कट ऑफ मैंने शुरू में ही बताया, आप एक बार देख लीजिएगा। और हैंडी कैप से रिलेटेड एक भाई हैं, खुद हैंडी कैप हैं, वो आपके लिए जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, उनका मैं चैनल आपको दे दूंगा, ये जो कम्युनिटी है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो उनसे आप एक बार ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि वो आपके जो एरिया है उसमें बेटर उनके पास नॉलेज है, ठीक है ना भाई। अगला देख लेते हैं। प्राउड ऑफ यू सर, यू आर रियली गुड पर्सन लाइक हेल्पफुल नेचर, थैंक यू वेरी मच विजय। आगे है सर, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी या NTPC? NTPC पहले होगा। DRDO MTS के बारे में अभी मैंने बताया। अच्छा, रेलवे में से अप्रेंटिस करना कैसा रहेगा? गुवाहाटी लुमडिंग में DV में DV मेरा 18/11/2020 को है, प्लीज रिप्लाई। हाँ, तो आप कहीं से भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मतलब कि जॉब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा इजी हो जाती है, आप देखेंगे कि बहुत कम कट ऑफ जाती है। हमारे ही जगह पे बहुत सारे अप्रेंटिस वाले आए हैं अप्रेंटिस करने के लिए, ठीक है ना भाई। तो आप कहीं से भी कीजिए, अच्छा ही होगा। टेस्ट बुक में कौन सा प्रैक्टिस, टेस्ट बुक से कौन प्रैक्टिस करता है, ये मेरे लिए कमेंट नहीं है, ये आप लोग के लिए ही कमेंट किया गया है। नीता बोल रहे हैं सर, क्या सेफ्टी को तैयार करने से और प्रीवियस ईयर, अच्छा स्पीडी लिखना चाह रहे होंगे, स्पीडी को तैयार करने और प्रीवियस ईयर बनाने से ग्रुप डी निकल जाएगा? देखो, ग्रुप डी तो नहीं निकलेगा क्योंकि ग्रुप डी का जो फोकस है वो साइंस की ओर है और साइंस में स्पीडी कोई मायने नहीं रखता है। तो लेकिन हाँ, ये स्पीडी है वो आपके NTPC के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर आप लगाना चाहते हैं, जो 18 के जो आए हैं प्रीवियस ईयर के, जो ग्रुप डी के क्वेश्चन वो लगाइए तो ग्रुप डी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा, ठीक है ना। केसी साहब बोल रहे हैं सर, आप जब ऑनलाइन आते हैं तो क्वेरी लेने के लिए 1-2 दिन पहले टाइम बता दीजिए ताकि प्रॉब्लम पूछ सकें। हाँ, 1-2 दिन पहले तो नहीं, लेकिन 4-5 घंटा पहले मैं बता देता था हूँ कि मैं लाइव आने वाला हूँ। हालांकि अब इस तरह से मैं आपको कर दिया हूँ कि अब आपके, देखिए, एक एक कमेंट को मैं पढ़ के आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो आप कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सर, RRB NTPC और बिहार दरोगा में पहले किसका ज्वाइनिंग होगा? देखो, बिहार दरोगा में इलेक्शन हो गया ना भाई, तो अभी इसमें कोर्ट कचहरी फलाना ढिकाना होगा, तो उस पर एक्सपेक्टेड मतलब कि आप कह सकते हैं कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कब किसका हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दरोगा का पहले होनी चाहिए क्योंकि ये छोटी मोटी रिक्रूटमेंट है, NTPC बड़ा रिक्रूटमेंट है, ठीक है ना भाई। मैं प्रेशर में हूँ? कोई प्रेशर नहीं भाई, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप समझ रहे हो कि मैं NTPC में भी क्रैक कर लूँगा और बिहार दरोगा, तो समझ सकते हो कि इतने पढ़े लिखे इंसान को कहाँ से प्रेशर आ गई भाई। मुन्ना बोल रहे हैं सर, मेरा ग्रुप डी में टेस्ट बुक में 55 से 60 आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा 65 की ओर ले जाइए भाई, तब आप सिक्योर हो सकते हैं, ठीक है ना भाई। इंक्रीज कैसे होगा? अच्छा, इस पे मैं वीडियो बना दूंगा, इंक्रीज कैसे होगा। सर, मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, मैं हमारे स्टेट में EWS सर्टिफिकेट ग्रुप डी का एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट के बाद मिला है। ये चीज़ें मैं शुरू में ही डिस्कस कर दिया हूँ भाई, तो ये चीज़ें आप एफिडेविट में लिखेंगे वो कंसिडर किया जाएगा, नहीं कंसिडर किया जाएगा तो आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सरकार की प्रॉब्लम है। सर, NTPC कब से स्टार्ट हो जाएगा? NTPC दिसंबर के लास्ट में मुझे उम्मीद है। कन्हैया बोल रहे हैं सर, आधा से ग्रुप डी पे कट ऑफ बनाइए, मोटिवेशन मिलता है। चलो ठीक है, इसके कट ऑफ जो आपके बन चुके हैं वो पहले देख लो, एक कुछ दिन के बाद मैं इस पे कट ऑफ बना दूंगा। सर, NTPC GK GS के लिए SPD और SPD साइंस कैसा है? NTPC के लिए बेस्ट है भाई, SPD दो सभी SPD बेस्ट है। टेल मी, ग्रुप डी में एस्पेक्ट्स का कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? ग्रुप डी में एस्पेक्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं भाई,
कोई ना कोई पोस्ट मिल ही जाएगा, अगर आपका आँख कितना भी ख़राब हो, यानी कि सिर्फ अंधे ना हो भाई, मतलब कि कहने का मतलब है, ये किसी को मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन किसी भी लेवल का आपके आँख हो तो आपको जॉब मिल जाएगा, आपके आँख के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है ना भाई। सर हुबली का कट ऑफ कितना जाएगा डीबी में, ये आप देख लेना भाई कितना कट ऑफ जाएगा, आप एक बार वो देख लेना। सर प्लीज़ रिप्लाई माई माई क्वेरी, NTPC में EWS का सर्टिफिकेट, हाँ ये सर्टिफिकेट वाला मैं बहुत बार बता चुका हूँ, शुरू आप वीडियो देखेगा आपको पता चल जाएगा। सर रिप्लाई CBT 1 के बाद CBT 2 एग्ज़ाम कितना टाइम मिलेगा, ये भी मैंने रिप्लाई दे दिया है। देखिए जिनका रिप्लाई मैंने दे दिया है, यानी कि जिस क्वेरी का रिप्लाई दे दिया है, तो उसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सभी का रिप्लाई देना होता है, सभी क्वेरी का। सर आपने एक वीडियो में बोला था कि अकॉर्डिंग टू RTI करेंट ईयर का EBS, हाँ मैंने बोला था, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, EBS का आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो मैं अभी भी उस पर अड़ी हूँ कि आपका वो, ये पता नहीं कहाँ चला गया, अच्छा यहाँ तक मैं पढ़ा था। EBS का मैं बताया था कि अगर आपके एरिया में बन ही नहीं रहा है ये भी EWS, तो कहाँ से आप लाएंगे ना भाई। तो इसके रिगार्डिंग आपको एक एफिडेविट लगाना है, फिर अगर उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप कोर्ट फाइल करेंगे, आप पक्का जीतेंगे, ठीक है ना भाई। रेलवे ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक, इस पे भी मैंने बात कर लिया है। अभी तक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है सर जी, LP की वैकेंसी आएगी 22-23, 23 तक उम्मीद किया जा सकता है। ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा मैं आई हैंडीकैप हूँ, बहुत कम स्टडी कर पाता हूँ, 50 मार्क्स पे इलाहाबाद जोन आ सकता है क्या? 50, हाँ ठीक है, 50 ठीक है हैंडीकैप के लिए। सर जी ALP के साथ टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, साथ में भी आती है और अलग अलग भी आती है, कभी कभी टेक्नीशियन की आती है तो उसकी नहीं आती है, उसकी आती है तो इसकी नहीं आती है। सर NTPC अंडर ग्रेजुएट में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है? देखो TC डिपेंड करता है आप किस तरह का जॉब करना चाहते हो, अगर आप मतलब कि एक स्थान पे प्रॉपर बैठ के, यानी कि टिकट कलेक्टर की बात करें तो वो भी बेस्ट है, अगर आप ट्रैवलिंग जॉब करना चाहते हो यानी कि टिकट एग्जामिनर वगैरह तो वो भी बेस्ट है, तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। प्रीवियस ईयर 18 के प्रैक्टिस सेट मारने में 55 से बढ़ नहीं रहा है, अच्छा इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने नंबर को बढ़ाएंगे। सर NTPC का CBT 2 एग्ज़ाम के लिए कितना दिन तक समय मिलता है? और मिनिमम 3 महीना तो मिल जाएगा। यदि रेलवे ग्रुप डी में 35 kg वेट उठाकर भागे और बीच में गिर गए तो क्या डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, दोबारा उठा के भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, आप एक बार गिर गए तो गिर गए। एक लाइन होता है भाई, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है, कि एक लाइन होता है ये, ठीक है, एक लाइन होता है ये दोनों का बीच का डिस्टेंस जो भी है 100 मीटर ही होता है शायद, इतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका बोरी रखा रहेगा, ठीक है, एक टेबल पे बोरी रखा रहेगा। अब यहाँ उठाते समय आप 10 बार गिरे, 15 बार गिरे, 20 बार गिरे, 10 मिनट तक उठाते ही रहे, मतलब उठ नहीं रहा है, 15वां मिनट में उठ गया, अब यहाँ से उठा के यहाँ गए, ठीक है, यहाँ से 15वां मिनट में के बाद उठा, 50 बार गिराए, 15वां मिनट के बाद उठा या 10 मिनट के बाद उठा, लेकिन जब उठ गया अब यहाँ तक, फिर यहाँ गए, फिर गिर गया, फिर आप गिर गया तो फिर दूसरा बोरी को उठाएं, अब इस लाइन को जैसे ही क्रॉस किए, उठाने के बाद इस लाइन को क्रॉस किए, तब से आपका टाइमिंग काउंट होगा, और इस लाइन के बीच आपको सिर्फ नहीं गिराना है, ठीक है ना। इसके पीछे कितना बार भी गिराएं, कितना बार भी उठाएं, कितना भी समय लें, ठीक है ना भाई, कभी नहीं काउंट होगा। जब आप उठा के प्रॉपर इस लाइन को जब क्रॉस करने लगेंगे तब आपका टाइम काउंट होगा, और इस लाइन को जब तक फिनिश नहीं करते हैं तब तक आपको भागते रहना, भागना क्या चलना होता है, और इसके बीच में कहीं गिर गया तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मुझे लगा समझ गए होंगे, ठीक है, आशा करते हैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए और भी जो कमेंट हैं उनको हम रखते हैं अगले कमेंट के, अगले वीडियो के लिए। तो अगर आप इसी वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक है ना भाई। तो ये तो पता चल जाएगा कि किसका किसका मैंने रिप्लाई दे दिया है, क्योंकि जिसका भी रिप्लाई मैंने दे दिया है उसको मैंने हर्ट दे दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।